नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डेली फाइन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से पांच जानकारियां लेकर आई हूं। पहला, क्या आप जानते हैं बोरिस्का किप्रियानोविक, जो कि वोल्गोग्राड रशिया के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपने आप को मंगल ग्रह का रहने वाला घोषित किया है। जी हाँ दोस्तों, 23 वर्षीय बोरिस्का ने दावा किया है कि मंगल ग्रह में रहता था और उसका पुनर्जन्म हुआ है पृथ्वी में और पृथ्वी पर अपना मिशन पूरा करने आया है मनुष्य जाति की रक्षा करने के लिए। इनका जन्म 1996 को हुआ था। बोरिस्का की मां ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका बेटा 1.5 साल की उम्र में ही पढ़ना लिखना और पेंटिंग करना सीख गया था और हमेशा मंगल ग्रह और सौरमंडल के बारे में बात करता था। दूसरा, दोस्तों क्या आप जानते हैं तिलतापक नाम का एक गांव जो मैक्सिको में है, वहां जोपोटेक नाम की एक जनजाति रहती है जो कि अंधे हैं। जी हां दोस्तों, उनका कहना है कि जन्म के समय उनकी आंखें बिल्कुल ठीक रहती है, पर कुछ दिनों बाद ही वे अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं और अंधे हो जाते हैं। उनका कहना यह है कि उनके अंधे होने का कारण लाब्जुएला नाम का एक पेड़ है जो कि शापित है। तीसरा, दोस्तों क्या आप जानते हैं भूतों का भी मेला लगता है? जी हाँ दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश में देवजी महाराज नाम का एक मंदिर है जहाँ भक्त आते हैं अपने आप को भूत शैतान और गुरु शक्तियों से छुटकारा दिलाने। यह एक अजीब संस्कृति है जो कि हर साल भूतों का मेला मंदिर के आंगन में होता है। यह एक अनसुलझी रहस्यमय घटना है। साधारणतः यह नंगे हाथों में कपूर जलाना, जिसे बुरी शक्तियां शरीर छोड़ दी, या झाड़ू से मारना जैसे रीति इनमें शामिल है और यह मेला पिछले 400 सालों से भी अधिक समय से लग रहा है। चौथा, क्या आपको पता है जब घड़ी नहीं थी तब लोग कैंडल मोमबत्ती से अलार्म बनाते थे? जी हाँ दोस्तों, ये मोमबत्ती अलार्म पहली बार किसने और कब शुरू किया ये किसी को नहीं पता, पर 10वीं शताब्दी में जापान में इसे उपयोग किया गया था। एक मोमबत्ती तयशुदा घंटे तक जलती थी। कील के गिरने से होने वाली आवाज ही अलार्म का काम करती थी। जितने घंटे बाद का अलार्म चाहिए मोमबत्ती की उतनी ही लंबाई पर एक भारी कील लगा दी जाती थी। चौथा, दोस्तों क्या आप जानते हैं इंडोनेशिया के किसान अपने धान के खेतों में मछली छोड़ के रखते हैं, अर्थात धान की खेती के लिए जो पानी जमा रहता है उसमें मछली छोड़ते हैं। कारण, मछली जो मल त्याग करती है उससे खाद तैयार होता है और कीट पतंग, छोटे कीड़े मकोड़े ये सब भी मछलियां खा जाती है, और मछलियों के यहाँ वहाँ भागने से ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाता है जिससे धान उत्पादन अच्छा होता है। इसे राइस फिश कल्चर कहते हैं और ये तरीका 2000 साल पुराना है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।